देहरादून में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही है, ना तो अस्पताल में डॉक्टर मौजूद रहते हैं ना ही दवाइयां उपलब्ध है। इसके बावजूद स्टाफ मरीजों की धकाधक पर्चियां काट रहा है। क्षेत्र में डेंगू का कहर है इस समय, पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। सैलकुई स्थित राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। क्षेत्रवासियों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सहसपुर के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर वहां का हाल जाना। हाल ऐसा है कि पूछो मत, पूरे क्षेत्र में डेंगू का कहर बरपाया हुआ है, पर चिकित्सालय में प्रभारी डॉक्टर उमा पिछले एक महीने से छुट्टी पर गई हुई है। उनके बदले तैनात डॉक्टर ऋचा समय पर कभी उपलब्ध ही नहीं रहती। ना ही अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध है और ना ही जांच के लिए उपकरण। सब कुछ भगवान भरोसे है। ब्लॉक अध्यक्ष अमित पवार ने सहसपुर CSC प्रभारी मनोज डोगरा से फोन पर बात की और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सैलकुई चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरी तो क्षेत्रवासी परिसर के अंदर ही धरने पर बैठ जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।